हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपके बीएड के एग्जाम्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, चाहे जो भी हो, हिंदी, मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, दोस्तों एक सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। हर साल एक सवाल इसे पूछा ही जाएगा 8 नंबर में। वो सवाल क्या है दोस्तों? वो सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसको ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल मटेरियल्स कहते हैं। वास्तव में इससे सवाल क्या पूछा जाएगा कि इससे आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसके सिद्धांत, इसकी परिभाषा। तो एक सवाल आपसे बीएड में हर साल पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम आने से पहले आप इस क्वेश्चंस को क्या करें, आसानी के साथ तैयार कर लें। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कहीं भी पूछे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, तो आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है और वास्तव में ये होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, हम अगर प्रैक्टिकली सोचें तो आप मेरे इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है, मतलब वह मटेरियल्स, वह सामग्री जो आपके पढ़ने में सहायक होता है, ठीक है। तो वो और सुनाई दे, जो सुनाई देगा वो श्रव्य सामग्री होगा, जो दिखाई देगा दृश्य सामग्री होगा, और जो ऐसा गैजेट या ऐसी वस्तु या ऐसी तकनीकी उपकरण मशीन जो आपको सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं उसको, श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, और ये दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो इसको हम ऑडियो विजुअल एड्स कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? एक साधन है, सामग्री, एक ऑब्जेक्ट है, एक गैजेट, एक डिवाइस है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसी चीज़ को हमें जब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री या साधन है जिससे हम आँखों से देख सकते हैं और कानों से उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। वे प्रतिक्रियाएं जिनमें दृश्य श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। जैसे वे क्रियाएं जिसमें दृश्य, जो देखने वाली चीज इंद्रियां, और श्रव्य सुनने वाली इंद्रियां दोनों सक्रिय होती हैं, तो वह श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अब ऐसे उपकरण जिसमें देखने और सुनने की व्यवस्था होती है, उसमें हम ज़्यादा सीख पाते हैं। सही बात है, अगर आप बच्चे को किताब से पढ़ा रहे हैं उसके बजाय आप वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। आँख और कान की सहायता से बच्चे 85% तक मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे गैजेट डिवाइस बताइए जो दिखाई भी देता हो, सुनाई भी देता हो, और जिसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाता है। तो आपका मोबाइल है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वीडियो डिस्क है, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? ये सारी चीज़ें आपके इसी ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ परिभाषा हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम अन्य इसके पॉइंट पर चलेंगे। जैसे कि बर्नेट ने कहा था कि श्रव्य दृश्य सामग्री वे संवेदनशील चित्र या उद्देश्य हैं जिनसे सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित किया जाता है, मतलब बच्चे को और मोटिवेट किया जाता है सीखने के लिए। वहीं पिस्टन ने कहा था कि उदाहरण केवल उद्दत करने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि ज्ञान को मजबूत करने की क्षमता भी रखता है। अच्छे उदाहरण के द्वारा निरंतर निष्क्रिय ज्ञान को जीवित कर दिया जाता है। सही बात है, अमूर्त चीज़ों को साक्षात्कार मूर्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे बच्चे को आप कोई भी बताएं, पौधे के बारे में बता रहे हैं, साइकिल के बारे में बता रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, अगर वो बच्चा देख रहा है तो वो ज़्यादा सीखेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या करता है, निष्क्रिय चीज़ों को भी जीवित कर देता है। समझ में आ रही बात? ये दो परिभाषा इंपॉर्टेंट। अब हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये श्रव्य दृश्य सामग्री कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने तीन प्रकार देखा है। पहला दोस्तों दृश्य साधन या दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य साधन या श्रव्य सामग्री, और तीसरा बच्चों ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों। अब बिल्कुल ये वैसा ही जैसे आपने क्या किया था, इसके बारे में पढ़ा था। जैसे दृश्य साधन वह सामग्री जो केवल दिखाई देती है और पढ़ने में काम आती है। केवल दिखाई का मतलब आप मान लीजिए कोई पिक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कभी म्यूजियम में जा रहे हैं, उसकी कुछ चीज़ें रखी पड़ी हैं। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक हमें दिखाई देगा लेकिन वो सुनाई नहीं देगा। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं तो दिखाई देता है लेकिन बच्चों को सुनाई नहीं देता। वास्तविक पदार्थ, अगर आपको कोई ठोस वस्तु पढ़ाना है तो बताएंगे ये हमारा ठोस है, तो ये केवल दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। मॉडल, ठीक है, बच्चे को अगर घुमाने लेके जाते हैं, रेखाचित्र, प्रतिरूप या फिर मानचित्र या चार्ट, ये वो सारी चीज़ें जो बच्चे को केवल दिखाई देगी, सुनाई नहीं देगी। तो ये इसमें पहला प्रकार है बच्चों, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के सीखने के लिए। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारे पास है श्रव्य साधन, मतलब वे उपकरण जिसमें केवल श्रव्य इंद्रिया, मतलब केवल सुनने के काम आता है। जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये केवल सुनाई देती है। रेडियो में सुनाई देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ना आपसे बात कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, श्रव्य साधन के अंतर्गत। ये दूसरा टाइप्स हो गया। तीसरा बात करें बच्चों, श्रव्य साधन जो सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है।
अब इसमें सबसे बेहतरीन क्या है कि ड्रामा, नाटक, अगर बच्चा कहीं नाटक देख रहा है तो नाटक के माध्यम से भी सीख सकता है। जैसे कि स्वतंत्र सेनानी के ऊपर अगर नाटक देखे तो उसे समझ में आएगा कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, तो उससे सीख सकता है। वो दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। चलचित्र, मोशन पिक्चर्स मतलब सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। ये सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा और इसका पढ़ाई में हम इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व के बारे में, ठीक है। कई बार इससे सवाल पूछता है श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व, बिल्कुल जो आपने समझा वही आप लिखेंगे। इसमें सूचनाओं को अमूर्त वस्तुओं को भी समझाया जा सकता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो नहीं देखी जा सकती उसको भी विजुअलाइज करके उसको समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अच्छा, विचार वस्तु को प्रतिरूप बनाकर उसके प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें शिक्षक में आत्मविश्वास तथा निरीक्षण में कुशलता आती है, ठीक है। टीचर के पास कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वो ज़्यादा समझा पाएगा, और एक टीचर को क्या चाहिए कि उसके पढ़ाए गए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझे, तो उसके लिए टीचर को क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। इसमें विद्यार्थी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, एग्जैक्टली बात है। अगर आप कोई वैज्ञानिक थॉट या कोई वैज्ञानिक प्रिंसिपल बता रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप उसको सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, सोलर सिस्टम आप केवल बता रहे हैं लेकिन आप अगर उसको दिखा दें बोर्ड पे कि ऐसे सन होता है, इसके आसपास ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, कौन उसके बाद उसका प्लैनेट है, जब आप ऐसे बताएंगे तो उसको ज़्यादा उसको समझ में आएगा और इससे क्या होता है उसमें एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने पर भी अनुशासन की समस्या नहीं रहती है क्योंकि छात्र का ध्यान सहायक सामग्री में ही केंद्रित रहता है, सही बात है। जैसे अच्छी बोर्ड्स हो तो वो बच्चा वहाँ पे कंसंट्रेट करके देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों के ज्ञान इंद्रियों को सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए अवसर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने का क्या देता है? चांसेस देता है। कौन सा? श्रव्य दृश्य सामग्री। ओके, अब आइए अगला पॉइंट। यह विद्यार्थियों में के मन और ध्यान को शिक्षण की ओर केंद्रित करने का प्रयास करती है। बच्चे इधर उधर बहकते नहीं हैं, मचलते नहीं हैं, वो क्या करते हैं? टीचर और पढ़ाई की चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। वह विषय वस्तु की जटिलता को कम कर सरल बना देती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, जटिल हो, उसको आसान बना देती है। क्या? श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। यह कक्षा कक्ष की जीवित मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बना देती है, उदासीन नहीं बनाती, अनइंटरेस्टेड नहीं बनाती, इंटरेस्टिंग बनाती है। यह समय बचाती है और अधिगम को क्या करती है? दीर्घकालीन के लिए ज़्यादा समय तक बच्चों को याद रहता है। कक्षा अंत क्रिया को बढ़ावे में सहायक होता है, ठीक है। अंत क्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कार्य दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। यह विद्यार्थी के लिए उत्तम उत्प्रेरक है, मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो और ज़्यादा वो क्या करेंगे? सीखेंगे। यह शिक्षक के मौखिक अनुदेशन को कम कर विद्यार्थियों को उबरने से रोकती है तथा शिक्षण में रुचि जागृत करती है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि इसका उपयोग करते क्यों हैं, उद्देश्य क्या है इसका करने का, ठीक है। हालांकि आपने लाभ देखा लेकिन सेम वैसी चीज़ को अगर उद्देश्य में पूछता है तो आपने कैसे लिखना है? जैसे अगर हम गणित की बात करें या किसी भी विज्ञान की बात करें तो उसको और आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। शिक्षण के समय नीरस वातावरण को दूर करने का प्रयास करने के लिए, विषय वस्तु की ओर छात्र को ध्यान केंद्रित करने के लिए और छात्रों में भाषागत दोषों को दूर करने में सहायता प्रदान करने के लिए, ज्ञान अर्जन छात्रों में सहयोग देना और छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को स्थायी बनाना और छात्रों की रुचि गणित में उत्पन्न करना या किसी भी विषय में उत्पन्न करना, ये क्या है? इसके उद्देश्य हो गए। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको सवाल क्या कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे श्रव्य दृश्य सामग्री के अर्थ के बारे में तो आप इसके अर्थ आराम से लिखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए वो उपकरण जो दिखाई दे सुनाई दे वो श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इससे ज्ञान स्थायी होता है, क्लास इंटरेस्टिंग होता है, रुचि होता है और बच्चे का ध्यान हम केंद्रित कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का आप इसके अर्थ में लिखिए। परिभाषाएं हमने जो दो बताई उस दो परिभाषाओं को याद कर लीजिए। लाभ में आप बस सेम चीज़ को लिखते जाइए। ज्ञान स्थायी होता है, इनकी रुचि रखती है, ज़्यादा समय तक सीखते हैं, समय की बचत होती है, ऊर्जा कम लगता है, अनुशासन बनाए रख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें। महत्व की भी बात वही है, कितना इंपॉर्टेंस है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, ज्ञान अधिक अस्थायी होना। और सिद्धांत भी दोस्तों, सिद्धांत बिल्कुल यही है कि जब हम क्या करें, पढ़ाई को ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बताएं ताकि वो चीज़ों को और बेहतर समझे। हालांकि सवाल आपसे इन्हीं पॉइंट में से पूछने वाला है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि इसके लाभ और इसके अर्थ आप क्या समझते हैं। और आपने एक और पॉइंट देखा था प्रकार के बारे में, प्रकार भी तीन प्रकार जैसे यही दिया गया, ऑडियो विजुअल, पहला तो आपका ऑडियो, दूसरा विजुअल, तीसरा दोनों। तो इस प्रकार से आप प्रकार को भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं। ये एक छोटी सी टॉपिक थी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार पूछा गया है, इसलिए जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आप तक पहुंचाऊं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, मुझे आपके कमेंट के इंतजार रहेगा। और नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बाकी ऐसे ही हम एक एक करके और भी वीडियोस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका एग्जाम्स में बहुत अच्छा नंबर आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक का खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।